आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में। जैसा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने कहा था कि इस स्टॉक में देखेंगे तो इस समय 200 डे मूविंग एवरेज के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है और 234 के ऊपर इस स्टॉक में इजीली आपको 260-290 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इस समय मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दिख सकता है। इस डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में आप इसको सेल करें, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो पोजिशन बनाए रखें। श्योरली इस स्टॉक में 290-320 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं, जिस प्रकार से मार्केट का व्यू अप ट्रेंड है। साथ में ही देखेंगे तो वेस्ट कॉस्ट पेपर को हमने आपको स्ट्रॉन्गली कल के ट्रेडिंग सेशन में रिकमेंड करा और आज हमने प्रीमियम ग्रुप में भी बाइंग के लिए कहा था। और इस समय देखेंगे कि मोर देन 7% के तेजी पे क्लोजिंग हुआ है, 526 का प्राइस है और पर्सनली मेरा टारगेट इस स्टॉक में 620-700 तक का वेस्ट कॉस्ट पेपर में दिख सकता है। टाटा पावर में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 234 से नीचे इग्नोर करेंगे क्योंकि काफी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। 234 के ऊपर का क्लोजिंग इस स्टॉक में वन साइडेड अपट्रेंड के लिए इनिशिएट करने वाला।